ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम फिर एक मरतबा पूरे जोश व खरोश के साथ, नए जज्बे के साथ, इंतहाई खुशी के साथ आज के हम जमात दहम की इल्म रियाजी का पहला बाब हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चौथी क्लास का आगाज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ तुलबा आपने पिछले तीनों क्लासेस देख चुके होंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले हम तीनों क्लासेस का इयादा करते हुए चलें। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद की तारीफ, हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। मुश्तरक फ़र्क, मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाबता डी मसावी है ए टू माइनस ए वन। यन व रुकन मालूम करने का ज़ाबता ए यन मसावी है ए प्लस यन मनफी एक डी। और हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल ए, ए जमा डी, ए जमा दो डी वगैरह वगैरह, ए जमा यन माइनस एक डी। तो ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखेंगे दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा था। दूसरी क्लास में हमने हिसाबी तसाउद का यन व रुकन मालूम करने का ज़ाबता, ये इसके चार मुतगयुरात हैं ए यन, ए यन और डी, इन चारों मुतगयुरात की खसूसियात के बारे में हमने मुतालब कर चुका था। तो पहला रुकन यहाँ पर ए है, पहला रुकन हकीकी अदद होगा। मुश्तरक फ़र्क डी जो है वो भी हकीकी अदद होगा। और यन व रुकन ए यन ये हकीकी अदद होगा और हिसाबी तसाउद के हर रुकन को ज़ाहिर करेगा। और अरकान की तदाद यन जो होगा ये हमेशा फितरी अदद होगा। तो ये हम हैं दूसरी क्लास में इसका हम मुताला कर चुके हैं। तो हम तीसरी क्लास में हिसाबी तसाउद के कोई दो अरकान दिए जाने पर हिसाबी तसाउद मालूम करना, इसके तहत हम सवालात हल कर चुके हैं। और तीन मुतवातिर आदाद का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिए जाने पर वो तीन आदाद मालूम कर चुके हैं, इसके तहत हम सवालात हल किए हैं। अब आइए हम चौथी क्लास में हिसाबी तसाउद के अरकान का हासिल जमा किस तरह मालूम करना इसके बारे में देखेंगे। तो तुलबा आइए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तो आप पढ़ चुके हैं हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद क्या है, हम पहली क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हिसाबी तसाउद हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। और ये पहला रुकन है तीन आठ तेरह, एक तीन पाँच सात, चार सात दस तेरह सोलह, ये हिसाबी तसाउद की चंद मिसालें हैं। इसमें हम तीसरे रुकन को किससे ज़ाहिर करते हैं ए थ्री। तो यहाँ पर तीसरा रुकन क्या है, तीसरा रुकन यहाँ पर तेरह है। चौथा रुकन ए चार, ये यहाँ पर चौथा रुकन सात है। और पाँचवा रुकन ए पाँच, तो ये सोलह है। हम यहाँ पर इस तरह हिसाबी तसाउद में ए तीन, ए चार, ए पाँच, इसका मतलब क्या है, वो रुकन को हम जाहिर करते हैं इसे। और इसकी मियारी शक्ल ए ए जमा डी, ए जमा दो डी, ए जमा यन माइनस डी, इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब हिसाबी सिलसिला, यहाँ पर देखिए ये एक नया टॉपिक है। ये क्या है, हिसाबी सिलसिला किसे कहते हैं। तो अरकान का हासिल जमा यानी कि हिसाबी तसाउद के अरकान को अगर हम जमा की अलामत में लिखें तो ये हिसाबी सिलसिला कहलाता है। और हम इसको यस से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए यस तीन, यस तीन का मतलब क्या है, इसके तीनों अरकान का हासिल जमा मालूम करना। यहाँ पहली जो मिसाल में है तीन आठ और तेरह, इसका मजमा यस तीन कहलाता है। और एस फोर, एस फोर का मतलब क्या है, ये चारों अरकान पहला तीसरा पाँचवा और सातवा, ये चारों अरकान का मजमुआ यस चार कहलाता है। यस पाँच, एस पाँच का मतलब क्या है, इब्तदाई पाँच अरकान के मजमुए को जो लिखा जाता वो यस पाँच कहलाता है। इसी तरह यसयन, यसयन के मतलब यानी कि यन अरकान के मजमुए को हम यसयन से ज़ाहिर करते हैं। और इसको हम ए, ए जमा डी, इन तमाम ए जमा टू डी वगैरह वगैरह, ए जमा यन माइनस एक डी से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हुआ हिसाबी सिलसिला और ये हुआ हिसाबी तसाउद। अब हमें क्या करना है, हिसाबी तसाउद के अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो इसके लिए क्या, तो
आइए हम इसके लिए देखेंगे कि हिसाब तसव के अरकान का हासिल जमा किस तरह मालूम करेंगे। तो इससे जुड़ा हुआ एक मशहूर वाक़या है, इल्म रियाजी की तारीख का एक मशहूर वाक़या है, जिसमें एक नामवर रियाजीदान कॉर्ल फ्रेडरिच गॉस, ये क्या है, बहुत ही मशहूर रियाजीदान थे। बचपन ही से, यानी कि 3 साल की उम्र से, ये रियाजी के तमाम सवालात को हल किया करते थे, और सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने एक अहम किताब, इल्म रियाजी से जुड़ी हुई एक अहम किताब, डिस्पोजिशन ऑफ अर्थमेटिका, ये किताब लिखी। और इनकी बचपन का एक वाक़या इस तरह है कि जब ये 10 साल की उम्र के थे, तो इनकी मौलिमा ने तमाम तुलबा से ये कहा कि 1 से 100 तक के आदात का हासिल जमा मालूम करें। तो सबसे पहले पूरी क्लास में फौरन फ्रेडरिच गॉस ने इसका आंसर दे दिया, इसका जवाब ये दिया कि 1 से 100 तक के आदात का हासिल जमा 5050 होता है। तो ये इन्होंने किस तरह मालूम किया इतना फौरन, यानी कि 1 से 100 तक के तमाम आदात को जमा करना, जमा करके फौरन सेकंड्स में इसका जवाब दे दिया। किस तरह जवाब किया, इसके तरीके को हम आगे देखेंगे, बहुत आसान है। देखिए ये आंसर इन्होंने किस तरह फौरन जवाब दिया इसका, यस। यस का मतलब क्या, 100 अरकान को जमा करना, 1 से 100 तक का मजमुआ लेना, फिर इसका माकोस लेना, इन दोनों को जमा करना, जमा करने के बाद, इन दोनों की जमा लेने के बाद 101, 101, 101, ये 100 मरतबा हासिल होता है, 100 मरतबा हासिल होता है, 100 ज़रब 101, 101 क्या है, 100 मरतबा हासिल हुआ। तो यहाँ पर 2 है, 2 को हम अगर नीचे लेकर गए, 100 ज़रब 101 / 2 मसावी है 5050। तो हम 1 से 100 तक के आदात को अगर हम जमा करें तो ये हमें 550 हासिल होता है। तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, गॉस के उसूल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये एक जाब्ता बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, इब्तदायन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का जाब्ता, जिसको हम इस तरह लिखा जाता है, यसियन मसावी है यन ब्रैकेट एन जमा 1/2। तो ये जाब्ता क्या है, इब्तदायन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का जाब्ता। फितरी आदात किसे कहते हैं बताइए, गिनती के आदात 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह, ये सारे आदात फितरी आदात कहलाते हैं। इनका हासिल जमा मालूम करने का जो जाब्ता है वो ये है, यसियन मसावी है यन ब्रैकेट एन जमा 1/2। तो यहाँ पर इसको, इसकी और एक आसानी से हम अगर फ़र्ज़ कीजिए, हमें इब्तदाई 8 अरकान का मजमुआ मालूम करना है, तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, यस 8 मसावी है 8 ज़रब 9/2, 8 अरकान ज़रब उससे 1 रुकन ज़्यादा, इन दोनों को ज़रब देके 2 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब हासिल होगा वो इब्तदाई 8 अरकान का मजमुआ हासिल होगा। नेक्स्ट इब्तदाई 10 अरकान को 10 ज़रब 11/2, अगर बहुत ज़्यादा अरकान है तो फर्स्ट कीजिए यहाँ पर यस 55, यानी कि 1 से 55 तक के अरकान का हमें हासिल जमा मालूम करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यस 55 मसावी है 55 ज़रब 56/2। तो ये तो हुआ इब्तदाई यन फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का जाब्ता। अब क्या करेंगे आगे, अगर फर्स्ट कीजिए तो यहाँ पर इसके तहत एक मिसाल हल कर चलेंगे, तो इब्तदाई 25 फितरी आदात का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो इस जाब्ते को इस्तेमाल करते हुए एक सवाल इस तरह हम यहाँ पर हल करेंगे, इब्तदाई 25 फितरी आदात, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लेंगे, एस 25 मसावी है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 वगैरह वगैरह जमा 25। तो यहाँ पर यन की कीमत क्या हुई, हमें 25 अरकान मालूम करना है, तो यन मसावी है 25 है, यसियन मसावी है यन ब्रैकेट एन जमा 1/2। तो ये हुआ इसका जाब्ता, ये जाब्ता लिखेंगे, उसमें यन की कीमत 25 है, तो एस 25 मसावी है 25 ब्रैकेट 25 जमा 1/2, 25 ज़रब 25 में अगर हम 1 जमा करें 26 26 बटे 2, यहाँ पर हम 26 को 2 से तकसीम कर सकते हैं, 2 एकन 2 2 एकन 2 और 2 किया 6 13 हासिल हुआ, 26 को अगर हम 2 से तकसीम करें 13 हासिल हो गया, 25 और 13 को ज़रब देने पर 325। तो लिहाजा बिल्कुल आसानी से, बहुत ही छोटा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए, बहुत ही आसानी से हम क्या है 25 अरकान का मजमुआ बहुत ही कम वक्त में मालूम कर सकते हैं। तो यस 25 मसावी है 325, इसका जवाब हासिल होता है। तो आइए, ये तो हुआ फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का, इब्तदाई फितरी आदात, यानी कि 1 से अगर आदात कंटिन्यू शुरू हो रहे हैं तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किए हैं। अब अगर हिसाबी तसाउद रहा तो देखिए, अगर यहाँ पर एक मिसाल लीजिए 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह के इब्तदाई 50 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए,
अगर इस तरह का सवाल दिया गया, यह हिसाबी तसव्वुफ का सवाल दिया गया, तो क्या हम वही ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हम जो सीखे हैं, क्या वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ज़ाब्ता है वो फितरी आदात के इब्तदाई फितरी आदात का मजमूआ मालूम करने का ज़ाब्ता है। अब इसके लिए हमें क्या है, ये तो हिसाबी तसव्वुफ में है, ये फितरी आदात नहीं है, इसके लिए हमें क्या है और एक नया ज़ाब्ता ढूंढना होगा, एक नया ज़ाब्ता लेकर उसके तहत इस सवाल को हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए उसको हम किस तरह करेंगे, हिसाबी तसव्वुफ के पहले यन अरकान का हासिल जमा, अगर एक तसव्वुफ दिया हुआ है तो उसके स्टार्टिंग से शुरू से लेकर जितने भी अरकान दिया जाता, 25 अरकान, 20 अरकान, उसका अगर हासिल जमा मालूम करना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता किस तरह हासिल होता है मैं आपको मुख्तसरन तौर पर बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा ज़ाब्ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट करो कि यसिन मसावी हिसाबी तसव्वुफ के पहले यन अरकान का हासिल जमा, तो हिसाबी तसव्वुफ के यन अरकान के हासिल जमा को हम यसिन से ज़ाहिर करते हैं। तो यसिन मसावी है ए वन जमा ए टू जमा ए थ्री जमा जमा ए यन, तो इन अरकान का मजमू हमें मालूम करना है, तो इस तरह लिखे, हम पहली क्लास में हम सीख चुके हैं ए वन को ए वन या ए सेम होगा मसावी का, ए टू को हम किस तरह लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी वगैरह वगैरह, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये मसावत नंबर एक होगी। तो इसको माकूस लेंगे, इसका उल्टा लेंगे, इन अरकान को माकूस लिखने पर, इसको उल्टा लिखने पर, इन दोनों का मजमूआ, इन दोनों को जमा करने पर ये हमें ये जो हासिल हो रहा दो ए जमा एन माइनस वन ए टू डी, ये एन मरतबा हासिल होगा। तो इसकी मुख्तसर करने पर हमें ये हासिल होगा दो एस एन मसावी एन ब्रैकेट दो ए जमा एन माइनस एक डी, या यस एन मसावी है एन बटे दो, दो को हमने नीचे ले लिए एन बटे दो ब्रैकेट दो ए जमा एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया। तो ये हमारा ज़ाब्ता हिसाबी तसव्वुफ के अरकान को मालूम करने का ये ज़ाब्ता हासिल हो गया, यस एन मसावी एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर भी चार मुतगयरात हैं, ए हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ए को क्या कहते हैं, ए पहला रुकन है, यहाँ पर डी जो है वो मुश्तरक फ़र्क है, यन जो है अरकान की तादाद है, और यहाँ पर यस यन, यस का मतलब समेशन, समेशन यानी कि जमा करना, इन अरकान का मजमुआ, यस यन अरकान का मजमुआ कहलाता है। तो बच्चों इस ज़ाब्ते को नोट कर लीजिए, फौरन जो जो भी समझाया जा रहा है एक कापी में नोट कर इसकी मश्क करते जाइए। तो अब इसके तहत आगे देखिए, यही ज़ाब्ता हम ये ज़ाब्ता लिए यस एन मसावी एन बटे दो दो ए जमा एन माइनस एक डी, ये कौन सा ज़ाब्ता है, हिसाबी तसव्वुफ के यन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता। तो अब हम इसको अगर फैला के लिखें एन बटे दो ए जमा ए, यहाँ पर दो ए है, अगर इनको फैला के लिखे तो क्या हासिल होगा ए जमा ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए इसको देखने से क्या मालूम हो रहा, ए जमा एन माइनस वन इंटू डी ये क्या है, किससे ज़ाहिर किया जाता है इसको, ए एन से ज़ाहिर किया जाता। तो इस पूरे के बजाय हम यहाँ पर एस एन मसावी है एन बटे दो ब्रैकेट ए जमा इसके बजाय ए एन लिखेंगे, ए एन क्या है हिसाबी तसव्वुफ का आखिरी रुकन, आखिरी रुकन को हम ज़ाहिर करते हैं। तो यसियन मसावी है यन बटे दो ए जमा ए यन, अगर किसी तसव्वुफ में, अगर किसी सवाल में आपको सिर्फ पहला रुकन और आखिरी रुकन अगर दिया जाए तो ये आसान सा ज़ाब्ता हम डाल के उसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो या इसके बजाय हम ए यन के बजाय एल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ए यन मसावी यन, एल का मतलब लास्ट रुकन, लास्ट आखिरी रुकन या लास्ट टर्म, इसलिए इसको एल से ज़ाहिर किया जाता है, यसियन मसावी है एन बटे दो ए जमा एल, तो ये एक ज़ाब्ता है। लिहाजा हिसाबी तसव्वुफ का पहला रुकन ए और आखिरी रुकन एल दिया गया हो तो यन अरकान का हासिल जमा मालूम करने का ज़ाब्ता यसियन मसावी है यन बटे दो ए जमा एल होगा। तो बच्चों बताइए अब तक हमने कितने ज़ाब्ते देखे, शुरू से मैं जो समझा रही हूँ इसमें कितने ज़ाब्ते देखे हम लोग, कुछ अंदाज़ा है आपको कितने ज़ाब्ते पढ़े हैं, आइए देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने तीन ज़ाब्ते देखे, पहला ज़ाब्ता है, अच्छा गौर से देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल जो दिया जाता है उसमें हम तीनों में से कोई एक ज़ाब्ता डाल के सवाल को हल करना रहता,
तो इसीलिए इसकी हेडिंग आप इसकी तारीफ को अगर अच्छी तरह देख लें तो इसमें हमें मालूम होता कि कौन सा जाब्ता हमें किस सवाल के लिए डालना है। तो इब्तदाई यन फित्री आदत का हासिल जमा मालूम करने का जाब्ता एसएन मसावी यन ब्रैकेट यन जमा एक बटे दो ये हो गया। और हिसाबी तसावुद के इब्तदाई यन अरकान का हासिल जमा यानी कि कोई भी अगर तसावुद दिया गया है उसमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क अगर दिया गया है तो आप उसके लिए ये जाब्ता डालेंगे यसियन मसावी है एन बटे दो ब्रैकेट दो ए जमा यन माइनस एक डी। और तीसरा जो जाब्ता है पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया है तो हम ये तीसरा जाब्ता डालेंगे। तो इन तीनों जाब्तों को फौरन नोट कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। आइए बच्चों चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह है हिसाबी तसाउत एक जमा तीन जमा पाँच जमा सात जमा वगैरह वगैरह के इब्तदाई 50 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो ये सवाल दिया हुआ है चलिए इसको हल करने की कोशिश कीजिए। इसको सोचिए यहाँ पर कौन सा है कौन सा जाब्ता डालना होगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये आदाद कौन से हैं इन चीज़ों को गौर कीजिए। चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ना और ये देख लेना इसमें कौन से आदाद हैं एक जमा तीन जमा पाँच जमा सात वगैरह वगैरह ये क्या है कौन से आदाद हैं ताख आदाद हैं। तो इब्तदाई ताख आदाद का इब्तदाई 50 ताख आदाद का मजमू हमें मालूम करना है। तो इसीलिए हम कौन सा जाब्ता डालेंगे सबसे पहले सवाल देखते ही हमें याद आ जाना कि हमें कौन सा जाब्ता डालना है। तो हमें जाब्ता ये डालना है यसियन मसावी है यन बटे दो ब्रैकेट दो ए जमा यन माइनस एक डी ये जाब्ता डालना है। इस जाब्ते के जो मुतगयरात हैं क्या वो सवाल में हैं उसको देखकर हमें लिख लेना होगा। तो ये जो सवाल दिया हुआ है एक जमा तीन जमा पाँच जमा सात वगैरह वगैरह इसको लिखेंगे। अब ये क्या है एक पहला रुकन है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर वगैरह वगैरह ये चार अरकान हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला रुकन ए वन या ए दोनों को सेम होगा ए मसावी है एक पहला रुकन यहाँ पर एक है इसीलिए एक है। टी मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का जाब्ता ए टू माइनस ए वन तो यहाँ पर देखिए ए टू माइनस ए वन तो यहाँ पर दूसरा रुकन हमारा जो है तीन है और तीसरा रुकन जो है पहला रुकन जो है वो एक है। तो तीन माइनस एक तीन में से अगर हम एक तफरीक करेंगे तो दो हासिल होगा। तो यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क डी जो है वो दो है और यहाँ पर यन अरकान की तादाद जो है 50 है यन मसावी है 50 हमें 50 अरकान का मजमू मालूम करना है यस 50 हमें मालूम करना है। तो आइए फौरन आगे बढ़ते हैं ये जाब्ता लेंगे इसमें जो जो भी सवाल में दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। एस का एस एन की जगह 50 मसावी का मसावी एन की कीमत 50 बटे दो ब्रैकेट दो ज़रब ए की कीमत एक यहाँ पर जो भी दिया हुआ है पहले लिख लेना। यहाँ पर लिखने के बाद जो भी है इसको लेकर मुतगयरात की जगह यहाँ पर रखना होगा। दो ज़रब ए की जगह एक जमा एन बोले तो 50 माइनस एक टी बोले तो दो। नेक्स्ट आइए एस 50 मसावी है 50 को अगर हम दो से तकसीम करेंगे तो 25 हासिल होगा ब्रैकेट दो एक कन दो 50 में से अगर हम एक तफरीक करें 49 ज़रब दो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 25 अठानवे होगा अठानवे में अगर हम दो जमा करें तो 100 को अगर हम 25 से ज़रब दें 2500 लिहाजा इब्तदाई 50 ताख आदाद का मजमू 2050 हासिल होगा। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल देखिए एक हिसाबी तसाउत का आम फर्क 6 और इब्तदाई 8 अरकान का हासिल जमा 192 है तो पहला रुकन मालूम कीजिए। सवाल को पढ़िए सवाल को गौर कीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है लिखिए और यहाँ पर हमें कौन सा जाब्ता डालना है इसको लिखकर आगे की तरफ हल करने की कोशिश कीजिए। तो हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे सवाल पढ़कर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। एक हिसाबी तसाउत का आम फर्क 6 है तो आम फर्क को किससे जाहिर किया जाता है डी से जाहिर किया जाता है तो डी मसावी है 6 और इब्तदाई 8 अरकान का हासिल जमा तो यहाँ पर इब्तदाई 8 अरकान को हम किससे जाहिर करते हैं एन से जाहिर करते हैं तो एन मसावी है 8 इनका मजमू दे दिया हुआ है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है मजमू दिया हुआ है हमें क्या करना है पहला रुकन मालूम करना है तो इसका अरकान का मजमू 192 है ए पहला रुकन को हम ए से जाहिर करते हैं ए हमें मालूम करना है। तो इस सवाल में देखिए
डी दिया हुआ है, आम फर दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे ये जाप्ता डालेंगे। यस एन मसावी है एन बटे दो, दो ए जमा एन माइनस एक डी, ये जाप्ता डालेंगे। डालकर एस आठ मसावी है आठ बटे दो ब्रैकेट दो जरब ए जमा ए नहीं मालूम है, ए हमें मालूम करना है इसीलिए हम ए को उसी तरह रखेंगे। दो ए जमा एन की कीमत आठ माइनस एक छः, आठ में से अगर एक गया तो सात, छः का छः, ये एस आठ की कीमत 192, 192 मसावी है, यहाँ पर ज़रब में है, चार जो है ज़रब में है उसको नीचे ले लेंगे, तकसीम में चला जाएगा 192 बटे चार मसावी है, दो ए जमा का जमा सात छक्के 42। यहाँ पर हमें ए की कीमत मालूम करना है, इसीलिए जो भी आदाद है इसके ए की बाजू हैं उन सबको है ना दूसरी तरफ मसावी के दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो 48 मसावी है, 48 मसावी है, 2a जमा 42, 48 मुस्बत 42 है, अगर मसावी के दूसरी जानिब आएगा तो मनफी 42 होगा, मसावी है 2a। 48 में से अगर हम 42 तफरीक करेंगे तो हमें 6 हासिल होगा, 6 मसावी है 2a, a की कीमत मालूम करना है, a मसावी है 6 बटे 2, यहाँ पर ज़रब में है इसको तकसीम में ले लेंगे, 6 बटे 2, 2 एक कंदो, 2 तिया 6, a मसावी है 3 या पहला रुकन, इसका हमें पहला रुकन मालूम करना था, ए मसावी है 3, लिहाजा ये जो तसावुफ जो दिया हुआ है इसका पहला रुकन 3 है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखिए, हिसाबी तसावुफ 34 जमा 32 जमा 30 जमा 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 डैश 10 का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पर एक हिसाबी तसावुफ दे दिया हुआ है, तो इसको देखिए यहाँ पर कौन सा जाप्ता डालकर इसको हल करना होगा, और कीजिए यहाँ पर देखिए कुछ एक नया सवाल है, यहाँ पर ए जन्मा रुकन भी दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सोचिए इसको समझिए और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 34 32 30 जमा वगैरह वगैरह जमा 10, ये तसावुफ दिया हुआ है, इसका हासिल जमा मालूम करो बोल के बोल रहा, तो हम क्या करेंगे पहले तसावुफ को देखेंगे, उसमें जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले ए पहला रुकन, यहाँ पर देखिए 34 जमा 32 जमा 30 जमा 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 10 इस तरह दिया हुआ है, तो उसको ये जो है 34 जो है ए वन ए टू ए थ्री और आखिरी रुकन ए एन, इस सवाल में ए एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इस सवाल में एन मालूम करना है, तो सबसे पहले हम एन मालूम करेंगे उसके बाद इसका मजमुआ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर ए मसावी है पहला रुकन, इस सवाल के लिए ए या ए वन मसावी है 34 है, मुश्तरिक फर्क डी मसावी है ए टू माइनस ए वन, ए टू यहाँ पर 32, ए टू 32 है और ए वन यहाँ पर 34 है, तो 32 में से 34 को हमें तफरीक करना होगा, तो 32 में से अगर हम 34 तफरीक करेंगे तो माइनस 2 हासिल होगा, इसकी जो कीमत है बड़ा आदत को यहाँ पर मनफी 34 है, इसका जवाब में डी मसावी है माइनस 2 हासिल होगा, और यनवा रुकन ए एन मसावी है यहाँ पर 10 है, ए एन 10 है, एन अरकान कितने हैं नहीं मालूम है, यहाँ पर एक रुकन है ए एन की जगह एक रुकन है, मगर ये कौन सा रुकन है, ये कौन सा रुकन है, 15वां है 16वां है कौन सा रुकन है नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ पर यन मालूम करना है और अरकान का हासिल जमा यसिन हमें मालूम करना है, ये पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ए यन का जाप्ता डालकर हम इससे हम सबसे पहले यन मालूम करेंगे फिर उसके बाद यसिन का जाप्ता डालेंगे। ए यन का मसावी है 10 मसावी, ए की कीमत यहाँ पर ए या ए वन 34 है, जमा का जमा यन मालूम नहीं है इसीलिए यन को उसी तरह लिख देंगे, यन माइनस एक, डी की कीमत माइनस 2 है, डी मसावी है माइनस 2। नेक्स्ट 10 यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मुतगैर है उसको मसावत के उसी जानिब रखेंगे, बचे हुए जो सारे आदाद हैं तो मसावत के उसके दूसरी जानिब लेकर आएंगे। यहाँ पर मुस्बत 34 है, अगर इधर आ गया तो ये मनफी 34 होगा, 10 माइनस 34 मसावी है यन माइनस एक माइनस 2 डी की कीमत। नेक्स्ट 34 में से अगर हम 10 तफरीक करेंगे तो मनफी 24 हासिल होगा, या माइनस 2 देखिए यहाँ पर ज़रब में है, मसावी की अगर हम दूसरी जानिब ला लिए तो ये बटे में हासिल होगा, बटे माइनस 2 मसावी है यन माइनस एक, अगर मनफी मनफी यहाँ पर कैंसिल होगा, 24 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 12 हासिल होगा, 12 मसावी है यन माइनस एक,
यन मसाविह 12 माइनस 1 है, इधर आ गया तो मुस्बत 1 होगा। 12 में अगर 1 जमा हम करें तो 13 हासिल होगा, यन मसाविह 13। तो लिहाजा 13वां जो रुकन है वो यहाँ पर 10 है, ये हमें मालूम हो गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा, क्या पूछा जा रहा है सवाल में, अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, यानी कि जो 13 अरकान है इनको अगर हम जमा करें तो क्या हासिल हो रहा है वो हमें देखना है। तो इसके लिए देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ है, यन हमें मालूम हुआ 13 है, यन हमें मालूम है 10 है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, टोटल हम 3 जाब्ते पढ़े हैं, तो यहाँ पर डी है, एन भी मालूम है हमें और ए भी मालूम है, इसीलिए हम ये जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। यस यन मसावी है यन बटे दो ब्रैकेट ए जमा ए यन, यस 13 मसावी है 13 बटे दो ब्रैकेट ए की हिम्मत 34 है जमा का जमा ए यन मसावी है 10। 34 में अगर हम 10 जमा करेंगे तो 44 हासिल हो गया, 13 बटे 2 ज़रब 44, 44 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 22 होगा, 22 को अगर हम 13 से ज़रब देंगे तो 286 हासिल होगा। तो लिहाजा 13 अरकान का मजमुआ 286 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये एक सवाल, ये एक अलग सवाल है। देखिए एक हिसाबी तसव्वुफ का पहला रुकन 7 है, आखिरी रुकन 35 है और अरकान की तदाद 13 हो तो अरकान का हासिल जमा या मजमुआ मालूम कीजिए। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, पहला रुकन दिया हुआ है, आखिरी रुकन दिया हुआ है और अरकान की तदाद दी हुई है, तो इनको लेते हुए पहला रुकन और आखिरी रुकन को लेते हुए हमारे पास एक जाब्ता है, तो वो जाब्ता डालेंगे। ए मसावी है 7, एल मसावी है 35 आखिरी रुकन, यन अरकान की तदाद एन मसावी है 13 है, तो यस 13 यानी कि इन 13 अरकान का मजमुआ हमें मालूम करना है, इसीलिए एस एन मसावी है पहला रुकन और आखिरी रुकन, ये जाब्ता लेकर इसको हल करने से हमें आसानी से हासिल होगा, इसका जवाब आसानी से हासिल होगा। एस 13 मसावी है 13 बटे 2 ब्रैकेट ए की जमा जगह 7 जमा एल आखिरी रुकन यहाँ पर 35 है, 35 में अगर आप 7 जमा करेंगे तो 42 हासिल होगा, 42 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे 2 एक कन 2 2 दुगनी 4 2 एक कन 2 21 हासिल हुआ, 13 और 21 को ज़रब देंगे तो 273 हासिल होगा, यस 13 मसावी है 273। देखिए अब तक के जो सवाल किए हैं हम इसमें 3 जाब्ते हमारे इस्तेमाल हो गए हैं, अब आइए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सवाल पढ़कर इसमें जो दिया हुआ है मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको घर में खुद से हल कीजिए। यहाँ पर एक हिसाबी तसव्वुफ का पहला रुकन 3 है, ए मसावी है 3 और मुश्तरक फर्द डी हो तो, मुश्तरक फर्द 6 हो तो कितने अरकान का हासिल जमा 192 होगा। तो सवाल में जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ए मसावी है 3 है, मुश्तरक फर्द डी मसावी है 6 है, कितने अरकान का हासिल जमा, अरकान की तदाद हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर यन मालूम करना है, यन मालूम करना है इसीलिए, और इनका हासिल जमा यस यन मसावी है 192 दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं, ये यसन का जाब्ता डालकर आप इसमें यन की कीमत मालूम कीजिए, हल यहाँ पर लिखे हुआ है आप खुद से कोशिश कीजिए और ये गौर कीजिए कि हमेशा यसन की जो मसावत होगी यन स्क्वायर हासिल होगी, यानी कि एक दो दर्जी मसावत हासिल होगी, एन स्क्वायर का जो जाब्ता होगा ये यसन का जो मसावत हासिल होगी वो दो दर्जी मसावत होगी और ए एन की जो मसावत होगी वो खतई मसावत होगी। इन दो चीज़ों को गौर करिए, गौर करके इस सवाल को हल कीजिए। और एक सवाल यहाँ पर हलशुदा सवाल दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और इसको इसमें डी मालूम करना है, इसको मालूम करने की कोशिश कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब तक के हम क्लासेस में जो भी पढ़े हैं ये अहम ये 3 जाब्ते हम इस क्लास में पढ़े हैं, इब्तदाई फितरी आदात का मजमुआ मालूम करने का जाब्ता, पहला रुकन और डी आम फ़र्क दिया गया है, तो यसन मसावी एन बटे दो दो ए जमा एन माइनस एक डी ये जाब्ता डालेंगे, और पहला रुकन और आखिरी रुकन अगर दिया गया हो तो यसन मसावी एन बटे दो ए जमा एन ये जाब्ता डालकर हम सवालात हल करेंगे। इस क्लास में हम ये 3 जाब्तों के बारे में पढ़ चुके हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये जाब्ते और ये जो हम सवालात हल करे हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए अगर आपके अंदर दिलचस्पी हो, अगर आपके अंदर शौक हो और अगर आपके अंदर जुस्तजू हो तो आप हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है, तो आप इन सवालात को जो मैं सवालात की हूँ उसी तरीके के सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए और किताब में भी मिसालें भी दिए हुए हैं और मश नंबर 1.1
3 के कई सवालात हैं, इनको भी हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे एएन दिए जाने पर एसएन मालूम करना और एसएन दिए जाने पर एएन मालूम करना, इसके तहत सवालात हल करेंगे। मेरा नाम रुबीना अर्शी है, मैं इल्मे रियाजी की मौलिमा हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट। सहारी अली जो ते गुड़ी हेच्चे यहाँ को।